हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, हमने सेंटर ऑफ मास का एक वीडियो लेक्चर डाला था, इसमें बेसिक्स बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन भी किया था, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडी से मतलब है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, या हम कह सकते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, इस टाइप के जो बॉडीज होते हैं रेगुलर बॉडीज, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम एक दो सेंटर ऑफ मास निकाल के आपको बताएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास हमने जो पढ़ा था, आपको कुछ नहीं, सिर्फ तीन बातें या तीन स्टेप्स ध्यान रखनी है रेगुलर बॉडी का, जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ, मैं हूं सुशील सर, आपको पता ही है एजी फिजिक्स वाला आपका अपना चैनल। तो कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे ही हम पॉज करते हैं तो आप वीडियो को नोट करते रहें, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज की बात करेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास फॉर रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडी से मतलब बताया जाता है मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। देखिए, हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं। आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री डॉट डॉट, ऐसे तरीके का ना, एम वन आर वन प्लस अपॉन, सबको पता है बहुत सरल फॉर्मूला। अब आर जगह एक्स सी एम होता था, हम एक्स लिख लेते थे, एक्स या वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पोजीशन को हम एक्स से बता सकते हैं, पोजीशन को हम वाई से बता सकते हैं, पोजीशन को हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एम वन एक्स वन लिख देते थे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस, राइट। अब रेगुलर शेप की बॉडी है, जैसे यहां पर तो पार्टिकल सिस्टम था, M1 एक पार्टिकल था, M2 दूसरा पार्टिकल था, M3 तीसरा पार्टिकल। अब चेंज क्या होगा, जैसे पार्टिकल सिस्टम में हम मान लेते थे कोई भी सिस्टम है या बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनके मास M1 M2 M3 है। लेकिन अगर रेगुलर शेप की बॉडी लेंगे, जैसे हमने मान लो सिलेंडर लिया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दैट सिलेंडर इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क। सिलेंडर को काटेंगे तो रेगुलर शेप की डिस्क कटेंगी, एक ऊपर एक डिस्क रखते जाओ सिलेंडर बन जाएगा, समझ गए ना। या स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, वो किससे मिलके बना है, डिस्क से, अलग अलग रेडियाई की डिस्क। अरे टमाटर की सलाद काटते हो ना, तो कम रेडियस वाला स्लाइस निकलेगा, फिर ज़्यादा वाला, ऐसे करके काटते जाओ। ऐसे ही कोन है, तो ऊपर वाली डिस्क का रेडियस कम होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे डिस्क का रेडियस बढ़ता जाएगा। तो जो रेगुलर शेप की बॉडी है, वहां पर हम मानते हैं कि बॉडी इससे मिलके बनी, पार्टिकल नहीं है, सिलेंडर है, डिस्क से मिलके बना है। वहां पर पार्टिकल था, यहां पर क्या होगा, एक सर्टेन शेप होगी आपके पास, ठीक है ना। तो वहां हम पार्टिकल मानते थे m1 m2, देखो फार्मूला सेम ही है। इस फार्मूले को हमने कैसे लिखा था, m1 x1, इसको हमने लिख दिया था सिग्मा एम एक्स अपॉन नीचे m1 प्लस m2 प्लस ये बता सिग्मा m, वहां हमने i लगाया था m i x i, i इक्वल टू 1 से n। अब ये तो अंडरस्टूड है, सिग्मा लगा इसका मतलब एम एक्स के सारे टर्म जुड़ेंगे, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू। सिग्मा का मतलब क्या है, जैसे जरूरी हम यहाँ वन से एन नहीं लिखे, तो आप एम एक्स का सिग्मा एम एक्स का मतलब सिर्फ एम एक्स मान लोगे। सिग्मा एम एक्स का मतलब एम इन टू एक्स वाले सारे टर्म जुड़े, मतलब चाहे एम वन एक्स वन हो, चाहे एम टू एक्स टू हो, चाहे एम थ्री एक्स थ्री, इसका मतलब ही सिग्मा एम एक्स है। अब आई यहाँ लगा देंगे तो हमें आई को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आई इक्वल टू वन से एन। बात एक ही है, शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं सिग्मा एम एक्स अपॉन कैपिटल एम, और ये सिग्मा एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया, कैपिटल एम लिख दो। तो ये फॉर्मूला था पार्टिकल के लिए। अब रेगुलर शेप में क्या है, इसी फॉर्मूले को एक्स सी एम इक्वल टू वन अपॉन एम, यहां पर था तो वन अपॉन एम तो हमने यहां कर दिया, फॉर रेगुलर शेप की बात हो रही है, फॉर रेगुलर बॉडीज। ये था पार्टिकल सिस्टम के लिए हम ऐसा करते थे।
अब अगर रेगुलर बॉडी तो एक्स सी एम इक्वल टू वन अपॉन एम तो एज इट इज रहेगा। समेशन का मतलब आपको सबको पता है इंटीग्रेशन होता है, तो जहां समेशन लगा वहां क्या लगा दिया इंटीग्रेशन। अब समेशन के अंदर क्या है एम इंटू एक्स स्मॉल एम एक्स, ध्यान रखना एम कैपिटल एम जो है ना एक पूरी बॉडी का मास है और ये जो स्मॉल एम वन एम टू है ना ये पार्टिकल्स के मास है। तो हमने अभी क्या बताया था कि अगर रेगुलर शेप की बॉडी है तो दैट मे बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे मैंने बताया था अगर सिलेंडर है तो पतली पतली डिस्क से मिलके बनाए, तो वहां पर हमें पार्टिकल नहीं कंसीडर करना पड़ेगा रेगुलर शेप में लिए, हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि ये सिलेंडर कई पतली पतली डिस्क से मिलके बनाए। तो यहां पर जो मास पार्टिकल का है यहां पर मास किसका आएगा वो रेगुलर बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है उसका मास, डीएम मान लो डीएम, और वो हमने जो डिस्क या जो डीएम वाली चीज ली है वो कितनी डिस्टेंस पे ली है पोजीशन उसकी, जैसे यहां एक्स है ना यहां पर भी एक्स, ये लो सिग्मा एम एस अपॉन एम या वन अपॉन एम इंटीग्रल एक्स डीएम, बात एक ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही फार्मूला है। एक्स का मतलब पोजीशन यहां पर भी है, किसकी पोजीशन ये जो डीएम मास की चीज है ना उसकी पोजीशन है एक्स। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा आपके समझ में आएगा, मतलब कहने का ये वन अपॉन एम यहां पर भी है वन अपॉन एम यहां पर भी, यहां समेशन है इंटीग्रेशन, यहां एम एक्स है यहां पर भी एम एक्स है, एक्स की जगह एक्स ही है, एम की जगह क्या है डीएम, डीएम क्या है डीएम वो चीज है जिससे मिलकर वो रेगुलर बॉडी बनी है, बस यहां पर पार्टिकल का कंसिडरेशन नहीं होगा। ऐसे ही वाई सी एम लिखना है कोई दिक्कत नहीं, वन अपॉन एम इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम, पोजिशन एक्स की जगह वाई कर दिया, यहां वाई कर लिया, जेड सी एम है तो जेड कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहे तो आप ये फार्मूला नोट कर लो, वैसे आपके पास नोट है, ये तो हमने बताए थे रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी है तो हम फार्मूला इस तरह से कुछ लगाएंगे। अब ये कैसे लगते हैं हम एक दो सेंटर ऑफ मास निकाल के आपको बताएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको फार्मूले को नोट कर लो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडी। यहां से समझना तीन स्टेप का डेरिवेशन है, तीन स्टेप ध्यान रखने आगे तो मैथमेटिक्स से, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर कर लिया है कोन, ठीक है कोन आपको दिख गया होगा, ये कौन है अपना, ये सॉलिड कौन है, ठीक है ना, इसकी हाइट हमने मान ली, इस कौन की हाइट h है, और रेडियस ऑफ बेस है वो कितना है r। यहां से देखिए आपको कौन दिख रहा है, एक h हाइट का कौन है, इसका रेडियस ऑफ बेस r है, इस कौन का सेंटर ऑफ मास। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसकी जगह सिलेंडर होता जिसका रेडियस यूनिफॉर्म होता सिलेंडर, तो आप कहते सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, मिडिल में आएगा, बहुत सिमेट्रिकल बॉडी है ना वो। अब यहां पर क्या देखो, ऊपर देखो पतला है नीचे मोटा है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ मास कम है एक तरफ मास ज्यादा, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिडिल में नहीं आएगा, तो कहां आएगा ये हमें निकालना कि इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास, ये तो आपको अंदाजा लग गया सेंटर ऑफ मास h by 2 पे नहीं आएगा। अगर सिलेंडर होता h हाइट का तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास h by 2 पर आता, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था बिल्कुल थ्रू आउट बॉडी, ठीक है ना। तो अब चलिए यहां पर कहां हुआ सेंटर ऑफ मास, ये हमें निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये थोड़ा दे देते हैं इसको पॉइंट को ओ ए बी, हमने बताया था इस कोन को अगर हम काटेंगे तो पतली पतली डिस्क मिलेगी डिफरेंट रेडियाई की,
तो इसमें एक बहुत ही पतली डिस्क ले लो हम, दिख गई, ऐसी बहुत सारी डिस्क मिलेंगी। दिस कोन इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच डिस्क, ऐसी डिस्क मिलकर बना हुआ ये कोन, समझ पा रहे ना, इसके ऊपर डिस्क लेंगे इसकी रेडियस और कम आएगी, ठीक है ना। इसका रेडियस ले लिया हमने स्मॉल आर, कितना ले लिया, इस डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है, ये नाम दे दिया हमने सी और ये नाम दे दिया डी। अब हमने कहा था इसका मास तो हम डीएम लेंगे, वो फार्मूला था इंटीग्रल एक्स डीएम, डीएम किसका मास है, ये बॉडी किससे मिलके बनी है, बॉडी डिस्क से मिलके बनी है, जो हमने पतली सी डिस्क ली उसका मास ये डीएम होता है जो फार्मूले में बताया था। अब ये डिस्क कितनी पोजीशन पे ली, डिस्टेंस क्या है, तो हमने ले लिया ये डिस्क एक्स डिस्टेंस पे, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स, और डिस्क की जो थिकनेस है वो हमने ले ली है डीएक्स। बस इतना सा काम करना, यही काम सब में करना, चाहे सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का निकालना हो, सिलेंडर का निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, कि वो चीज किससे मिलके बनेगी, उतना सा सेगमेंट ले लो उसका मास डीएम ले लो, वो मास हमें निकालना है, कैसे निकालना है, हमें पता है रेगुलर बॉडी है, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अब तीन स्टेप कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप डेंसिटी, जैसे आपने कहा कि ये कोन है, अब कोन में ही आपने एक पतली सी डिस्क बनाई, तो मटेरियल जो डिस्क का होगा वही कोन का होगा, तो डेंसिटी कैसी होगी, सेम। तो सबसे पहला काम है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कोन, कोन के मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम कौन का कितना होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3m अपॉन πr²h, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये डेंसिटी आ गई। पहला स्टेप मैंने कहा था 3 स्टेप याद रखने, पहला स्टेप। अब ये कौन किससे मिलके बना, डिस्क से, तो डिस्क का मास डीएम चाहिए ना, एक्स डीएम, एक्स ये डिस्टेंस ले ली हमने, डिस्क कहां ली हमने, एक्स डिस्टेंस पे ऊपर से, इसको आप वाई भी ले सकते हो, रटना मत ये एक्स लिया, इसको वाई ले सकते हो, इसको डी वाई ले सकते हो, फार्मूला हम वाई वाला लगा लेंगे, इसको एक्स लिया डीएक्स, हम फार्मूला एक्स के टर्म में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ डिस्क, दूसरा स्टेप, डिस्क का मास हमें कितना लेना है, डीएम, और यही तो हमें चाहिए फार्मूले में, एक्स डीएम, मास ऑफ डिस्क, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी। अब डिस्क का वॉल्यूम तो बड़ा आसान है, डिस्क का वॉल्यूम देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम और डिस्क का वॉल्यूम फार्मूला एक ही होता है, डिस्क की हाइट कम होती है इसलिए डिस्क लगती है, हाइट बढ़ जाती है तो वही लगने लगता है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो डिस्क का भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां एच क्या हुआ, डिस्क की हाइट। अब डिस्क की हाइट से मतलब है क्या है, डिस्क की थिकनेस, अरे जो मोटाई है वही तो हाइट है, डिस्क कितनी मोटी है तो ये हाइट हुई ना, मोटाई बढ़ा दो तो वो सिलेंडर दिखने लगता है। एनीवे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर, छोटा आर रेडियस, इनटू डीएक्स, ये डिस्क का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह क्या आएगा डीएक्स थिकनेस। अब देखिए क्या करना है, यहां पर प्रॉब्लम नंबर 1, मैंने कहा ये दूसरा स्टेप है, ये डिस्क का जो रेडियस है ना स्मॉल आर, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, अगर हम डिस्क थोड़ा नीचे लेते तो स्मॉल आर ज्यादा होता, डिस्क थोड़ा ऊपर लेते तो स्मॉल आर और कम होता है, तो इस स्मॉल आर को एलिमिनेट करना है। देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इस लाइन पे आएगा कहीं कहीं, उसमें इस आर का कोई रोल नहीं है, तो देखिए हमें इस आर को कैसे हटाना है, देखिए ध्यान से देखिए,
ये देखो इसी डायग्राम क्या बना रहा, ओ ये डिस्क यहां थी, सी डी ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, ये ए और ये बी, ये एक्स है और ये पूरा एच है। देखो यही चीज यहां बनी है। अब देखो यहां पर ये वाला ट्रायंगल ओ सी डी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, हमें इस आर को एलिमिनेट करना है, तो ओ सी डी और ओ ए डी सिमिलर ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ ए बी आर सिमिलर, तो सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, जो एक्स अपॉन एच होगा वही आर अपॉन कैपिटल आर होगा, दैट इज एक्स अपॉन एच इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जो एक्स अपॉन एच होगा वही आर अपॉन आर होगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका, इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो यहां से स्मॉल आर क्या जाएगा, बेस के स्मॉल आर इक्वल टू ये आर इतना भेज दो x अपॉन एच इंटू आर, बस ये स्मॉल r की वैल्यू यहां पर रख दो आप और आपका काम खत्म। तो स्टेप नंबर दूसरा क्या बनेगा, डी एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर कैपिटल r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स इंटू रो। ये स्टेप नंबर दो कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में क्या निकालना था, डेंसिटी, वापस सुनते जाइए, किसी का भी रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना, ये स्टेप लिखने हैं। पहले स्टेप में निकालना आपको डेंसिटी, दूसरे स्टेप में वो बॉडी किससे मिलके बनी है, जैसे सिलेंडर किससे मिल, सॉरी कौन किससे मिलके बना, डिस्क से, तो उस डिस्क का मास, और तीसरे स्टेप में बस फार्मूला पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए हमने डिस्क की डिस्टेंस है ना एक्स, वो टॉप से लिए यहाँ ओ से लिए एक्स, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो टॉप से ही आएगी, बॉटम से निकालनी है तो टोटल हाइट एच है, ऊपर से इतनी हाइट भी तो नीचे से कितना होगा ये तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो अब देखो एक्स सी एम निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, फार्मूला क्या होगा, वन अपॉन एम इंटीग्रल एक्स डी एम, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, जीरो से लेकर के एच तक, जितनी डिस्क होगी सब बन जाएगी ना भाई, आपने सिलेंडर में सॉरी कोन में एक डिस्क लिए, अब एक डिस्क थोड़ी आप जीरो से लेकर के एच तक इंटीग्रेट कर लो सारी डिस्क आ जाएगी, पूरा सिलेंडर आ जाएगा, तो जीरो से लेकर के ये तीसरा स्टेप है जो फार्मूले वाला है। देखो इसको ये हो जाएगा वन अपॉन एम इंटीग्रल जीरो से एच एक्स डी एम, तो एक्स ये रहा और डी एम कहां रहा, डी एम ये रहा पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स डी एम में डीएम की वैल्यू डाल दी बस। अब यहां डी एक्स अंदर है इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, एक्स के अलावा सबको बाहर निकाल लो जो कांस्टेंट है और एक लाइन का इंटीग्रल है खत्म। तो देखिए एक्स सी एम कितना आएगा, मास पकड़ो वन अपॉन एम बाहर है, वन अपॉन एम बाहर, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपॉन में एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल जीरो से एच क्या बचा इंटीग्रल के अंदर, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये बचा इंटीग्रल के अंदर एक्स क्यू। अब इसका इंटीग्रल तो भाई कोई भी कर सकता है, एक्स क्यूब का मतलब एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, फिर खत्म। जिन लोगों ने इंटीग्रल नहीं पढ़ा है इंटीग्रल का वीडियो अलग से डाला हुआ है फिजिक्स बाय सचिन सर, आप देख लें। चलिए यू जाएगा वन अपॉन एम पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, रो की वैल्यू भी डाल रहा हूं मैं यहीं पर, या रो की वैल्यू चलो बाद में डाल देते हैं, एक स्टेप और हो जाते हैं, इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर फोर अपॉन
जीरो से एच, एच क्यूब का इंटीग्रल एक्स पावर फोर अपॉन फोर। अब ये लिमिट एच यहाँ लग जाएगी, एच की पावर फोर अपॉन, बस हो गया यार। देखो एक इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, अभी दिख जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एम राइट पाई आर स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर। अब देखिए क्या बचा है, रो की वैल्यू डाल देता हूं, ये रो रहा है ना, थ्री एम अपॉन, थ्री एम अपॉन पाई आर स्क्वेयर एच। यहां लिमिट लगा देते हैं एच की पावर फोर, बस। अब देखिए जो कट रहा है इसको काट दो, एम से एम गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बचा, नीचे देखिए एच स्क्वायर और एच, एच स्क्वायर एच एच क्यूब है, ऊपर एच की पावर फोर काट दो, ऊपर एक एच बचा और नीचे बचा फोर और ये थ्री बचा, तो एच सी एम आ गया थ्री एच अपॉन फोर, ये थ्री बचा, ये एच यहां बचा, पावर फोर थी नीचे तीन थी, थ्री एच बाई फोर। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये थ्री एच बाई फोर कहां से आया, ऊपर से, क्योंकि ये एस ओ से डिस्टेंस एच की डिस्क की, अगर हम नीचे से एक्स लेते तो नीचे से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है, ध्यान रखना। ऊपर से एक्स का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर से थ्री बाई फोर एच पे है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉटम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉटम, बॉटम से निकालेंगे तो एच में से थ्री बाई फोर एच कम कर लो, कितना जाएगा एच बाई फोर, कितना जाएगा एच में से थ्री बाई फोर एच कम करोगे कितना जाएगा एच बाई फोर। तो नीचे से कोण का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एच बाई फोर भी आएगा, या ऊपर से देखोगे तो थ्री बाई, दिख ही रहा है यार, ऊपर पतला है तो ऊपर से डिस्टेंस ज्यादा होगी, नीचे मोटा नीचे कम होगी, तो नीचे से एच बाई फोर और ऊपर से थ्री बाई फोर एच। तो चलिए नोट कर लीजिए, सिर्फ तीन स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप है डेंसिटी निकालना, दूसरा स्टेप है ये डीएम निकालना, और तीसरे स्टेप में फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, अभी हम एक हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास और निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो इसको पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है ना, नोट्स बनाइए फटाफट। चलिए हटाएं इसको, नोट कर लिया, जब मैं स्क्रीन छोड़ता हूं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। चलिए हटा रहा हूं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेवन क्लास के स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोरोना चल रहा है, हमें तो स्कूल वाले प्रमोट कर देंगे भाई, क्या भाई प्रमोट कर देंगे, क्या इलेवन से ट्वेल्थ में जाने के लिए आए इलेवन क्लास में, साइंस इसी के लिए है कि ग्यारहवीं पास हो जाए, अभी साइंस इसी के लिए ग्यारहवीं पास हो जाए, तो फिर बात, फिर तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, फिर अगली साल जब बारहवीं में आओगे ना, अगली साल जब बस बारहवीं आने वाली है, दिसंबर चल ही रहा है, तो आप छह महीने में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि जितना अच्छे से अभी कर लेंगे इलेवेंथ क्लास का सिलेबस, आपको उतना ही आसानी रहेगी जेईई में या नीट का एग्जाम देने में। चलिए मेरा काम बताना है, अभी हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, देखो स्फीयर का तो सबको पता सेंटर पे ही होगा, अब हेमिस्फीयर आधा हमने काट दिया, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसकी बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, एग्जैक्टली जो चीजें वहां पर बताई थी उतने ही स्टेप आपको याद रखने हैं,
जितने स्टेप्स वहाँ पर बताए गए थे आपको कि सबसे पहला काम क्या है, डेंसिटी निकालना, दूसरा काम है डीएम निकालना और तीसरा काम है फार्मूला लगाना, उससे बिल्कुल भी हम इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या डायग्राम बनाते हैं हेमिस्फीयर का, चलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा भैया, अच्छा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा सा हेमिस्फीयर है, ये सॉलिड है, इसका रेडियस आर है, मतलब ये आर है, ये आर होगा, ये भी आर होगा, रेडियस का मतलब आप समझते हैं। इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैंने क्या बताया था सबसे पहला काम, कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड यार, सबसे पहला काम ये होगा कि इस पर हम क्या कंसीडर करेंगे, एक ये टमाटर है ना, आधा कटा हुआ टमाटर है, अब इसको और काटोगे तो स्लाइस बनेगी ना, स्लाइस तो वो कैसी बनेगी, डिस्क टाइप की बनेगी ना, बस यहाँ वाली स्लाइस के साथ रेडियस ज्यादा होगा, ऊपर आते जाओगे ना तो पतली होती जाएगी, मतलब रेडियस कम होती जाएगी ना, तो यहाँ पर भी जो स्मॉल आर होगा डिस्क की जो रेडियस होगी यहाँ पर भी वेरी करेगी, तो उस स्मॉल आर को यहाँ पर भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने हेमिस्फीयर बना लिया, दिस हेमिस्फीयर सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क, तो कंसीडर सच ए डिस्क, जैसे वहां डिस्क कंसीडर किया था, एक डिस्क बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाया डिस्क, ये मोटाई होगी डिस्क की, रेडियस स्मॉल आर है, अब ये तुम्हें बताइए ये डिस्क का रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस है, आर ही हुआ ना ये। अब देखो हमें पता है इस स्मॉल आर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहां तो हमने कोन में सिमिलर ट्रेंगी से एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ क्या करें, तो हम क्या करते हैं ये जो डिस्क ली है हमने यहाँ से एक्स साइड पे ले ली, नीचे से एक्स ले लिया हमने, अब देखो ये एक्स हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, पाइथागोरस से ये आर एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए ना, ये सेंटर है, ये यहां से यहां तक आ रहे हैं, यहां से यहां तक आ रही, सब आ रहे ना, ये हेमिस्फीयर ये किससे मिलके बना है, पतली पतली डिस्क से मिलके बना, ये डिस्क बना दी हमने, ये देखो ठीक है ना, इस डिस्क का जो डिस्टेंस लिया ना नीचे से एक्स, ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास हम यहां से आएगा, हमने कोण में ऊपर से लिया था, सेंटर ऑफ मास ऊपर से आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बात एक ही है, नीचे से आ जाएगा ऊपर से निकालना, तो आर में से माइनस कर देना, क्यों टोटल डिस्टेंस यहां से आता कितनी आर, जैसे यहां से आता वहां एस थी, चलिए तो सबसे पहला स्टेप डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ हेमिस्फीयर, मास अपॉन वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, हेमिस्फीयर है तो 2/3 πr³, ये 3 कहाँ जाएगा उसके ऊपर, ये कितना जाएगा डेंसिटी 3m/2πr³, पहला काम हो गया। अब यही डेंसिटी हम कहाँ लेंगे, इस डिस्क का जब मास निकालेंगे, इस डिस्क का मास तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, तो मटेरियल सेम है ना भाई, इसी हेमिस्फीयर का पार्ट है डिस्क, तो मटेरियल सेम है, मतलब डेंसिटी सेम है, यही डेंसिटी हम यहाँ काम लेते हैं, इसलिए पहले डेंसिटी निकालते हैं। अब दिस डिस्क इज सपोज टू बी मेड अप, सॉरी दिस हेमिस्फीयर इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क, तो कंसीडर सच ए डिस्क ऑफ मास डी, मास ऑफ डिस्क ले लो, मास ऑफ डिस्क डीएम, ये वाली डिस्क का मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना आएगा, अभी तो बताया था डिस्क का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर डीएस, वही डिस्क बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस स्मॉल आर है, एच की जगह क्या आएगा उसकी थिकनेस, ये डीएस ले लो आप, वेरिएबल एक्स ले रहे, इसलिए अगर हम इसको वाई लेते हैं, इसको हम डी वाई ले लेते,
रटनामक शरीर तो वाई एक्सिस के सेंटर ऑफ मास हो, आपने वाई क्यों लिया, तो आप वाई ले लो एक्स की जगह, क्या दिक्कत है, हमें तो पोजीशन बतानी है। इनटू डेंसिटी, अब देखिए जैसे वहां किया था स्मॉल आर को एलिमिनेट किया था सिमिलर डेंसिटी, यहां तो ऐसे ही आ जाएगा पाइथागोरस से। फ्रॉम फिगर, देखो फिगर को, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर और दिस प्लस दिस, तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, बस खेल खत्म। अब डीएम कितना आ जाएगा, इसलिए डीएम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर गए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू हो गया। निकाल लो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ये सेकेंड स्टेप हो गया, डीएम निकालना होता है, थर्ड स्टेप में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस एफ सी एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम इंटीग्रल लिमिट जीरो से आर, वही मामला है, लिमिट यहां से लेकर के यहां तक लगा दो, जितनी भी डिस्क होगी सारी आ जाएंगी जीरो से आर, डीएम की वैल्यू यहां डाल दो, इंटीग्रल कर दो, ये हो जाएगा वन अपॉन एम जीरो से आर एक्स, और डीएम ये रहा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल के बाहर क्या आ जाएगा वन अपॉन एम पाई और रो, बस आर स्क्वायर को बाहर मन निकाल लेना, आर स्क्वायर फ्री नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आर स्क्वायर साथ माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल जीरो से आर, इंटीग्रल जीरो से आर, अब क्या बचेगा एक्स, एक्स को इसके अंदर डाल दो ब्रैकेट के अंदर, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डीएक्स, ऐसे लिख दिया, ये पाई बाहर आ गया, रो बाहर आ गया, इस एक्स को यहां भी लिख दिया, इस एक्स को यहां भी लिख दिया, अब आप इंटीग्रल आराम से कर सकते हैं। देखिए अब आ जाएगा वन अपॉन एम बाहर था, पाई रो बाहर था, इंटीग्रल कर रहा हूं, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू, आर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, हो गया इंटीग्रल जीरो से आर लिमिट लगा दो, इंटीग्रल हो गया जीरो से आर लिमिट लगा दो, अब बस लगा दो लिमिट, अपर लिमिट का मतलब आर लगेगा, लोअर लिमिट तो जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं, देखो क्या मिल जाएगा हमें वन अपॉन एम पाई रो, जब एक्स की जगह आर आएगा तो आर स्क्वायर बनेगा, और आर स्क्वायर पहले से ही तो आर की पावर फोर अपॉन टू माइनस ये आर आएगा यहां तो आर की पावर फोर अपॉन फोर, होगी लिमिट लग गई भाई, लिमिट लग गई और सॉल्व भी हो गया, डेंसिटी बिल्कुल बात कर देगी हम, ये जाएगा वन अपॉन एम पाई रो, अब इसके लिए भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, आर की पावर फोर अपॉन टू में से आर की पावर फोर अपॉन फोर माइनस करना है कितना बचेगा, कई लोग कहते हैं सर आर की पावर फोर अपॉन पता नहीं क्या बता देते हैं, कोई वन बाई एट भाई, ये हाफ है, हाफ आर की पावर फोर है, ये वन फोर्थ है, हाफ में से जब वन फोर्थ जाता है कितना बचता, वन फोर्थ, तो मतलब आ जाएगा आर की पावर फोर अपॉन फोर, जिनको नहीं आता है टेक एलसीएम, वो एलसीएम लेके अपना सॉल्व कर ले, बस रो की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, देखिए डाल रहा हूं वैल्यू वन अपॉन एम, मैंने कहा ना एक स्टेप दो स्टेप और तीसरा स्टेप इसके बाद ये मैथमेटिक्स है, अगर आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब का इंटीग्रल नहीं आता है तो साइंस छोड़ दो, एटलीस्ट वन अपॉन एम पाई रो की वैल्यू डालो, फिर डालो थ्री एम अपॉन टू पाई आर क्यूब,
3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इनटू अब r की पावर 4 अपॉन 4 काट लो जो बढ़ जाए m से m गया पाई से पाई गया और r क्यूब से r क्यूब गया एक r बचा ये बचेगा 3 by 4 टू जाइए और ऊपर आ ये आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 by 8 r बस ध्यान ही रखना हमने ये x यहां से माना है x तो सेंटर ऑफ मोस्ट मास की क्वेश्चन है 3 by 8 r यहां से नीचे से 3 by 8 r अगर टॉप से निकालेंगे तो r में से कम कर दो तो 5 by 8 r आ जाएगी ये फ्रॉम बॉटम है फ्रॉम बेस और फ्रॉम टॉप निकालोगे तो r माइनस 3 by 8 r आ जाएगा 5 by 8 r तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया है कि किस तरह से हम रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ठीक है ना तो आई होप कि समझ में आया होगा फिर भी अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फिलहाल तो आप नोट कर लीजिए देखिए अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा सेंटर ऑफ मास का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है ना तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं नीट जेई में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस पे बेस्ड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है और आप कोई भी क्वेश्चन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड फाड़ देंगे ठीक है ना तो चलिए उसको नोट कर लीजिए कर लिया होगा तो पढ़ाई की बात तो मैंने कर ली है जो बच्चे रोज पढ़ रहे हैं रेगुलर स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि अपने चैनल पे भी देखिए लगभग आधा फिजिक्स का सिलेबस हो गया है 11th क्लास का भी सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल चल रहा है इसके बाद जो मेन मेन चीज़ें बची हैं उनमें है क्या बेसिकली एक ग्रेविटेशन चैप्टर है ज़्यादा टफ है नहीं उधर फिर हम जाएंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा अच्छा सा मज़ा आएगा और वेव्स है ऑसिलेशन वेव्स एक ही कॉन्सेप्ट है तो ज़्यादा कुछ नहीं है लगभग आधा हम पहुँच चुके हैं तो जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है अब से पढ़ाई शुरू कर लें प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो अवेलेबल है इजी फिजिक्स बाय सुशील सर जाइए प्लेलिस्ट ओपन कीजिए जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लिक कीजिए सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे ठीक है ना चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग